हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज देखिए रीजनिंग में पढ़ेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। आज पार्ट नंबर 4 लेकर के आया हूँ, जो आपको बिल्कुल बेसिक से हम बताएंगे। आपके वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से तो क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ से, अनुराग अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 3 मीटर जाता है और वहाँ से दाएँ मुड़कर 4 मीटर जाता है। तो वहाँ प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में एवं कितनी दूरी पर है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम समझेंगे दिशा क्या होता है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम दिशा का फिगर पहले बनाते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, उससे क्या होता है उत्तर, और क्या होता है उससे ऊपर होता है। तो देखिए यहाँ से ई क्या हो गया, ऊपर और उत्तर, इसको क्या लिखेंगे, उत्तर। और देखिए यहाँ से ठीक इसका अपोजिट में चलेंगे तो क्या होगा, दक्षिण। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, दक्षिण। उसके बाद देखिए यहाँ से, तो देखिए यहाँ से जब हम उत्तर दिशा में घूमेंगे तो मेरा दाहिना हाथ क्या होगा, पूरब दिशा में होगा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, क्या हो गया, पूरब दिशा में। और उसके ठीक अपोजिट में क्या होगा, पश्चिम होगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, पश्चिम होगा, पश्चिम दिशा हो गया। अब क्या करेंगे उसके बाद, देखिए यहाँ से, यहाँ से देखिए क्या करेंगे, जब इस रेखा को खींचेंगे तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ से क्या है, उत्तर और क्या है पूर्व, दोनों के बीच में है तो क्या होगा, पूर्व उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट आप पूर्व उत्तर लिखिए या पूर्वोत्तर लिखिए, तो यहाँ से लिखेंगे पूर्वोत्तर, यानी क्या हो गया, पूर्वोत्तर। अब देखिए यहाँ से पूर्व उत्तर लिखिए या पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्व हो गया या पूर्व उत्तर हो गया, इसी को क्या कहा गया, पूर्वोत्तर। अब देखिए यहाँ से जब इसको क्या करेंगे, पश्चिम और क्या दक्षिण के बीच में क्या होगा, इसको हम लिखेंगे, देखिए यहाँ से पश्चिम और दक्षिण क्या होगा, पश्चिम दक्षिण। और देखिए यहाँ से जब इसको हम लिखेंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से क्या है, पूर्व और दक्षिण के बीच में है तो क्या होगा, दक्षिण और क्या होगा, पूर्व होगा। दक्षिण और पूर्व के बीच में है तो दक्षिण पूर्व। उसके बाद देखिए यहाँ से फिर पूर्व दक्षिण रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी को पहले लिखिए या इसको बाद में लिखिए। तो देखिए यहाँ से तो फिर क्या दिया गया, उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो क्या होगा, उत्तर पश्चिम होगा। देखिए यहाँ से उत्तर और पश्चिम हो गया, इसी को पश्चिम उत्तर भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आप इसका दिशा समझ गए हैं, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन डील करेंगे यहाँ से। अब क्वेश्चन में देखिए, अनुराग अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 3 मीटर जाता है, क्या जाता है, तो उत्तर दिशा में 3 मीटर जाता है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 3 मीटर पहले हम बनाएंगे इसका फिगर, देखिए। अब देखिए यहाँ से अब क्या हो गया, यहाँ से 3 मीटर या इसका प्रारंभिक स्थान मानिए यहाँ से, तो प्रारंभिक स्थान से देखिए कितना दूरी पर जा रहा है, तो प्रारंभिक स्थान इसका यहाँ हो गया अनुराग जी का। उसके बाद देखिए यहाँ से 3 मीटर मानिए ऊपर गया, 3 मीटर क्या गया, उत्तर की ओर दिशा में गया। देखिए यहाँ से उत्तर दिशा में 3 मीटर जाता है, तो क्या करेंगे, मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक का दूरी इनका 3 मीटर है। उसके बाद देखिए क्या, और वहाँ से दाएं मुड़ जाता है। अब यहाँ से उत्तर दिशा में जा रहे हैं, दाया मुड़ रहे हैं, क्या मेरा यहाँ दाहिना किधर जाएगा, इधर की ओर। तो देखिए यहाँ से तो क्या करेंगे, यहाँ से जाता है और वहाँ से दाएं मुड़ कर 4 मीटर जाता है। कहाँ से, देखिए यहाँ से उत्तर दिशा में 3 मीटर गया, उसके बाद क्या है, दाहिना मुड़ करके 4 मीटर चला। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो गया, 4 मीटर। तो वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में एवं कितनी दूरी पर है। अब देखिए इनका दिशा ही बताना है और दूरी ही बताना है। तो प्रारंभिक स्थान इनका यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी जब निकालना होगा तो क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ से जब यहाँ से यहाँ तक का दूरी, इनका प्रारंभिक स्थान से इनका दूरी जब पूछा जा रहा है, क्या करेंगे, निकालेंगे। आप पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े हैं, देखिए यहाँ से लंब हो जाएगा या आधार, इसको मानिए तो लंब हो गया, ये लंब मानते हैं इसको आधार हो जाएगा। यहाँ से दिख रहा है समकोण त्रिभुज में कर्ण, जब कर्ण बराबर आप फार्मूला पढ़े हैं, यानी देखिए कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या है, आधार स्क्वायर, या आप कर्ण बराबर लिख सकते हैं यहाँ से लंब स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, आधार स्क्वायर। देखिए यहाँ से
जब आधार स्क्वायर लिखेंगे रूट में, देखिए यहाँ से अगर इधर स्क्वायर देंगे इधर रूट नहीं चढ़ाएंगे, अगर इधर रूट देंगे तो इधर स्क्वायर नहीं चढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ से तो क्या होगा, तो यहाँ से लंब देखिए इसको तीन मानेंगे तो तीन का स्क्वायर, और प्लस क्या लिखेंगे आधार दिया है चार, तो क्या करेंगे चार का स्क्वायर। देखिए यहाँ से क्या होगा, तीन का स्क्वायर नौ, तीन गुना तीन, और चार का स्क्वायर क्या होगा सोलह, चार गुना चार। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, दोनों को जोड़ के पच्चीस, जब इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा पाँच, क्यों इसका पच्चीस का वर्गमूल पाँच होगा, पाँच गुने पाँच, दो में से को बाहर कर दिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, पाँच मीटर हो गया। देखिए यहाँ से पाँच क्या होगा मीटर। अब देखिए इनका पाँच मीटर निकल गया इसका आंसर। अब पाँच मीटर जब इसका दिशा कहा जाएगा तो देखिए यहाँ से क्या है उत्तर और क्या है पूर्व की दिशा में, दोनों के बीच की दिशा में क्या गया है तो पूर्व उत्तर, यानी पूर्व और उत्तर की दिशा में है। तो यहाँ से देखिए इनका दिशा क्या निकला, उत्तर और क्या है पूर्व की दिशा में, कितना है तो पाँच मीटर। इनका दूरी भी पता चल गया, वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा एवं कितनी दूरी पर, इनका कितना निकला पाँच मीटर। उत्तर देखिए तो पूर्व उत्तर किधर दिया गया है, कहा यहाँ देखिए उत्तर और क्या है पूर्व के बीच में, तो क्या हो गया इनका पाँच मीटर पूर्व उत्तर, किस ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ से डी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा सही जवाब होगा। यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।